हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 की। आज के इस वीडियो में खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूं। यहां पर ब्लैंक वर्कबुक दिया गया है, बस यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये नया सिनेरियो ऐसा आ जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए ये एनालाइज डाटा है। तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर ट्राई एन एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर अगर क्लिक कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप यहां से फिल्टर करना चाहते हैं तो यहां से आप फिल्टर भी कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा डेटा आ जाएगा। जैसे फिर मैं यहां से कैटेगरी को फिल्टर करता हूं, तो कैटेगरी में हमारे पास देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज हैं। तो अगर मैं केवल बाइक्स रख देता हूँ, बाकी सारे हटा देता हूँ, अनटिक कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ से ओके करने पर केवल उन्हीं की कैटेगरी दिखाई दे रही है। और इसी के लिए आप पिवोट टेबल भी इंसर्ट करा सकते हैं, तो यहाँ से जा करके आप पिवोट टेबल भी इंसर्ट करा लेंगे, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, अब एडवांटेज इसका इतना सारा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। और ये क्या है, इस फीचर का नाम है एनालाइज डाटा। और एनालाइज डाटा आपको कब मिलेगा, जबकि आप एक्सेल 365 यूज करेंगे तभी आपको ये फीचर मिलेगा। काफी एडवांस फीचर है, इसके बारे में आगे भी बात करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।